कुवैत पश्चिम एशिया में स्थित एक अरब अमीरात है जिसकी सीमा उत्तर में सऊदी अरब और उत्तर पश्चिम में इराक से मिलती है। अपनी अरबी संस्कृति और विकास के लिए कुवैत दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस देश से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसे हर किसी को जानना चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुवैत से जुड़े कुछ मजेदार और रोचक तथ्य। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। कुवैत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पानी के करीब एक महल। कुवैत का पूरा नाम दवालत अल कुवैती है, जिसकी स्थापना करीब 1613 में हुई थी। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और वहां की करेंसी है कुवैती दिनार, जिसकी कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है, जी हां, डॉलर और पाउंड से भी ज्यादा। एक कुवैती दिनार की बराबरी 3 अमेरिकी डॉलर मिलके भी नहीं कर पाते। हमारे भारत की ही तरह कुवैत पर भी एक समय अंग्रेजों ने अपना राज चलाया था। सन 1961 में कुवैत को अंग्रेजों से आजादी मिल गई। ये एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 17,820 किलोमीटर है, जो कि हमारे राजस्थान से भी कम है। यहाँ की आबादी करीब 43 लाख है। इतना छोटा देश होने के बावजूद भी कुवैत दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है। कुवैत की 95% इनकम सिर्फ तेल से आती है और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। यहाँ का 60% तेल सिर्फ एशिया में ही एक्सपोर्ट होता है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये दुनिया में नंबर 5 पर आता है। यहाँ प्रति व्यक्ति की आय करीब $71,000 है। कुवैत में करोड़पतियों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ के करीब 10 लाख से भी ज्यादा लोग विदेशी हैं। सन 2009 में कुवैत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बना जिसने रोबोट के जरिए ऊंटों को दौड़ाया था। कुवैत पहला ऐसा देश है जिसने लोगों के द्वारा चुनी हुई पार्लियामेंट बनाई है। यहाँ लड़कियों को चुनाव लड़ने की पूरी आजादी दी गई है, जो बाकी अरब देशों में दी गई आजादी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। कुवैत के नियमों के अनुसार यहाँ अगर कोई मर्द औरत को गिफ्ट देना चाहता है तो उसे डायरेक्टली नहीं दे सकता, बल्कि वो अपनी पत्नी, बहन या माँ के द्वारा उस महिला को वो गिफ्ट दे सकता है। कुवैत में इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ का तापमान करीब 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने गर्मियों के मौसम की वजह से अपने नेशनल डे की तारीख 19 जून को बदल के 25 फरवरी कर दी है। कुवैत ने बाकी अरब देशों की तरह शरिया कानून को नहीं अपनाया है। यहाँ का लीगल सिस्टम सिविल लॉ सिस्टम है, जो कि फ्रांस के अनुकरण में बनाया गया है। कुवैत में शराब बेचने और खरीदने पर पूरी तरह से रोक टोक है। यहाँ रमजान के महीने में पब्लिक प्लेसेस पर खाना पीना, लाउड म्यूजिक बजाना और डांस करना मना है। कुवैत के राष्ट्रीय संगीत में कोई शब्द नहीं है। ये एक ऐसा देश है जहां पर रेलवे लाइन भी मौजूद नहीं है। कुवैत अरब का एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई तालाब या नदी नहीं है, इसलिए वो लोग समुद्र के खारे पानी को भी पीने लायक बनाते हैं, जिसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां एक बॉटल पानी की कीमत तेल से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद यहां 2005 में गोल्फ खेलने का मैदान बना लिया गया, जिसके लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।